आचार्य जी नमस्कार भैया बहन, आज के वीडियो क्लास में कक्षा दसम के अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम। अब लोकतंत्र के परिणाम में परिचय अब यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ये लोकतंत्र के परिणाम में इसका परिचय क्या, परिचय के बारे में कुछ बात जानेंगे कि ये लोकतंत्र है। इस पाठ्य पुस्तक के अंतिम पड़ाव पर भी है हम लोग, और लोकतंत्र क्या है और इससे हम किन परिणामों का उम्मीद करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, कैसा परिणाम आता है। अमूमन जो है यह सवाल पूछा जा सकता है कि वास्तविक जीवन में लोकतंत्र किन उम्मीदों को पूरा करता है, परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, इन सब बिंदुओं पर विचार करेंगे। मूल्यांकन के कौन कौन बिंदु होंगे, उसके विभिन्न पहलू जैसे शासन का स्वरूप, आर्थिक कल्याण और समानता, सामाजिक अंतर, टकराव और आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। तो मूल्यांकन जो है लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, बिंदु लिखा हुआ है और उसमें इन मूल्यांकनों को जैसे कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक में दूसरे अध्याय में आप बातचीत के नतीजा निकाला था कि लोकतंत्र शासन जो है अन्य शासनों से बेहतर शासन है, तो बेतानाशाही शासन है या साम्यवादी शासन है, तो उन शासनों से यह बेहतर शासन कैसे है लोकतंत्र, इस बात पर जो है हम चर्चा करेंगे या चर्चा हुई है 9वीं क्लास में। अब आगे देखेंगे जो लोकतंत्र में जो परिणाम है आप परिचय में देख रहे थे, तो उसका मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन में पहला है जो नागरिकों में समानता का बढ़ावा देता है, तो लोकतंत्र में समानता का बढ़ावा कैसे मिलता है। अब क्या इससे पहले आम जीवन में सारे लोग समान थे क्या, सबके साथ समानता के व्यवहार होता था क्या, ये सब आप अगर सामाजिक जीवन में आप अपने पूर्वजों या अपने जो बुजुर्गों हैं उनसे चर्चा करेंगे तो आएगा जो कि आज भी कहीं कहीं आपको लगेगा जो कुछ लोगों को साथ खाने नहीं दिया जाता है या घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है या किचन में नहीं जाने दिया जाता है, ये सब असमानताएँ हैं या कुछ छुआछूत, इसमें कमी जरूर आई है और यह कमी जो है लोकतंत्र के कारण आए हैं। लोकतंत्र कारण में आप देख रहे हैं जो कि एक तो शिक्षा की बढ़ोतरी हुई, शिक्षा का भी विकास हुआ जिसके कारण भी आप देख रहे हैं समानता का बढ़ावा मिला। दूसरा बिंदु आप देख रहे हैं जो कि चुनाव है और चुनाव के द्वारा है तो उसमें दो समानता भी बढ़ती है, चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको वोट देने का अधिकार है। इस तरीके से आप देखेंगे जो किन किन बिंदुओं के आधार पर व्यक्ति में समानता का बढ़ावा मिला। जैसे आप कक्षा कक्ष में बच्चे बैठते हैं या किसी मीटिंग में बैठते हैं तो ये जाति पूछ कर नहीं बैठते हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं करते हैं, तो कहाँ कहाँ समानता का अवसर प्राप्त हुआ है तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इस पर 4-5 बिंदु जो है। अब व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है, अब जैसे वोट देना आपके सुना समानता है सबको देना, अब उसको भी लगता है जो अमीर हो गरीब हो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो सबको एक लाइन में खड़ा होना है, वहाँ उसको लगता है कि हमारा भी कद उतना ही बराबर है जितना इन अमीर लोगों का है या पढ़े लिखे लोगों का है, सबको बराबर लगता है, वहाँ उसको अपने आप को सम्मान या गरिमा को महसूस होता है। इस तरीके से अन्य भी उदाहरण आप देखेंगे ये कहाँ कहाँ जैसे चुनाव लड़ना है, आप देखेंगे जो स्थानीय निकाय के चुनाव में हर वर्ग अति पिछड़ा पिछड़ा महिला सबको चुनाव लड़ना है मुखिया, तो यह भी उसके गरिमा को बढ़ाता है। ये लोकतंत्र के कारण है, यह लोकतंत्र है और इसका परिणाम बेहतर आ रहा है, सबको आप गरिमा का अपने अब फैसला है, फैसले में बेहतरी कैसे आती है। अब जैसे व्यक्ति
स्थानीय निकाय है, अभी तक जो समाज में भेदभाव था उसमें जो है तीन स्तर पर चुनाव होता है और सब लोगों को बांट दिया गया है, महिला है, पुरुष है, स्थानीय निकाय का चुनाव है, सबको जो है अब चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है और सब मिल बैठकर अब पंचायत है, पंचायत में के सारे मतदाता उस पंचायत के न मतदाता तो है ही, साथ साथ उसके जो है सदस्य भी है, उसके फैसले में भागीदारी भी है, उसकी बैठक होती है, होनी चाहिए या होती है, और तब जो है सब मिलकर निर्णय लेते हैं कार्य किया, वार्ड सदस्य है या पंच है या सरपंच है, तो उसमें देखा जा रहा है जो कि सबका जो है बैठकर एक साथ उस विषय पर निर्णय लेते हैं तो बेहतर फैसले आते हैं, या विधानसभा में चर्चाएं होती है और चर्चा होती है तो सब अपना पक्ष विपक्ष रखते हैं, इससे आम आदमी के जीवन को में क्या प्रभावित होना है ये आता है और उससे जो फैसले आते हैं वह बहुत अच्छा फैसला आता है। टकराव है, अब टकराव को कहा संभालने या कम करने, टकराव कम करने का कैसे, टकराव कम होता है जैसे किसी बिंदु है उस पर आप देखते हैं हर वर्ग के, हर धर्म के या हर क्षेत्र के जो विधायक है या सांसद है वो क्या करते हैं, चर्चा होती है उस विधानसभा में, अपनी राय रखते हैं, इससे जो उस वर्ग के, उस धर्म के या लोग हैं उसे लगता है कि हमारी भी बात वहाँ सुनी जा रही है, हमारा भी पक्ष रखा जा रहा है। इस प्रकार से ये देखा जाता है कि जो टकराहट समाज में जो कटुता का वातावरण है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब गलतियां हैं, गलतियों को सुधारने, गलतियों का सुधारने का क्या तरीका है, अब ये गलती कहाँ कहाँ हो सकती है, एक तो गलती निर्णय लेने में हो सकती है, एक प्रशासन की गलतियाँ हो सकती है, तो इन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है ये ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे कहा कि निर्णय लेने में अगर निर्णय जल्दी लिया गया या कोई निर्णय ले लिया गया, ऐसा निर्णय ले लिया गया जिससे आम आदमी उससे प्रभावित हो रहा है या वह सरकार के खिलाफ जा रहा है या जनता के खिलाफ जा रही है, तो उन परिस्थितियों में उसे फिर से गुंजाइश है कि उसे निरस्त करके या वापिस करके फिर से नए ढंग से उस पर जो है चर्चा किया जाए, बहस किया जाए, फिर से लागू किया जाए या निरस्त किया जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गलती जो है, परिणामों का मूल्यांकन जो है, पांच बिंदु आए इसमें और ये पांच बिंदु है जो इस आधार पर हम जो है आप परिमाण लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन जो है कर सकते हैं। और आप भी अगर और बिंदु अगर समझ रहे हैं और इसमें जैसे किसी की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इस आधार पर भेदभाव होता था, समाज बटे हुए थे, तो अब कहा जाए लोकतंत्र के कारण अब सब एक साथ आ रहे हैं, धीरे धीरे ये सामाजिक आर्थिक स्थिति, या तो आर्थिक स्थिति भी सबके बेहतर हो रहे हैं, सबको बेहतर अवसर भी प्रदान किया जा रहा है, तो और भी बिंदु है जो बेहतर, सबको अब अवसर प्राप्त हो रहा है, चुनाव लड़ना है सबको अवसर प्रदान हो रहा है, सेवा क्षेत्र में जाना है तो सबको अवसर प्रदान हो रहा है, यानी इस तरीके से आप देख रहे हैं जो कि सांस्कृतिक जो है भेदभाव। तो कहा जाए लोकतंत्र जहाँ हम लोगों ने समझ लिया हर मर्ज की दवा, लेकिन हर नागरिकों को इसमें भाग लेने की जरूरी, हर की भागीदारी बराबर होनी चाहिए, इस तरीके से इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का हम परिणाम आज के दिन में बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आपको भी करना चाहिए, आपको भी ध्यान देना चाहिए, इससे बेहतर अगर आप अपनी राय रख सकते हैं तो अपनी राय, अपनी कमेंट जरूर देंगे। धन्यवाद।